Mudan Yadang represents all the disabled citizen of this state. यहाँ में जितना भी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से है, पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी से है, उसको रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इसका साथ जो इनजस्टिस हुआ है, कल को किसी का साथ भी हो सकता है। इस पर रूल मेरा टेबल में जितना भी डिपार्टमेंट लिखा है, उसका बाद में ब्लाइंडली तो नहीं बोल रहा हूँ ना, अगर मेरा गलती होगा तो एआर डिपार्टमेंट क्यों मेरा पेपर में लिखेगा, अगर मैं गलती हो तो सजेता डिपार्टमेंट रिपीटेडली क्यों मेरा पेपर में लिखेगा, और अगर मैं गलती होता है तो स्टेट कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी क्यों मेरे पेपर में जजमेंट पास करेगा, और अगर मैं गलती होता तो एजीए सर क्यों बोलेगा कि मेरा केस तो इस पर रिलैक्सेशन स्टेटस सुइटेबिलिटी सही है बोल के क्यों बोलेगा, और आपने खुद एजी से ओपिनियन लेगा बोल के क्यों लास्ट मोमेंट में अलग एडवोकेट से लिया, तो आप अगर इतना ही आप एक ही लो ऑफिसर का कहने पर इतना लाइक अपना विजडम यूज नहीं करके गलत फैसला ले रहे तो आप गलत कर रहे कमीशन ना, मैं अभी भी कहता हूँ। नमस्कार, आज हम यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का ऑफिस में आज फिर से आया है। मुदंग येबिंग सिस्टर का जो केस है, हम सब जितना भी अरुणाचल का यहाँ का जितना भी जनता है, हम सब ने देखा है पिछले दो डेढ़ साल से इसका जो केस है इतना लंबा समय से पेंडिंग पड़ा हुआ है। आज हम आया था ये चेयरमैन सर को मिलने के लिए, प्रदीप लिंगफा सर को, तो वैसे लास्ट टाइम भी आया था 28 मई को आया था, तो उसमें सर से नहीं मिल पाया, तो उसमें हमारा जो एपीपीएससी का जो सेक्रेटरी मैडम है उससे बात हुआ था, तो उस समय में हम लोगों को पता चला था कि इसका जो केस है इसको क्लोज कर दिया बोला है, तो इसको हमने आज उसी चीज़ को पूछताछ करने के लिए आज यहाँ पे आया था। आज प्रदीप लिंगफा सर को मिला है, उसमें सेक्रेटरी मैडम भी था, और वहाँ पर जो नया मेम्बर्स है जलस परतिन सर है, उसके बाद जो कोस्तारी सर, इनफैक्ट जो कमीशन का लीगल एडवाइज़र है वो भी वहाँ पे प्रेजेंट था, तो आज डिटेल में डिस्कशन हुआ है, तो आज हमने उसी बात को दोबारा से रिपीट किया है कि मुदंग येबिंग सिस्टर का जो केस है फिर से बता दो। ये एग्ज़ाम हुआ था 2022 में, और वो एग्ज़ाम में एक ही पोस्ट था पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए, और एक ही कैंडिडेट था सिस्टर मुदंग येबिंग, लेकिन उसमें जो कट ऑफ में थोड़ा ये एम्बिग्विटी होने का कारण से इसको इनजस्टिस दिया गया, तो हमारा मांगना ये था कि इसका साथ जो इनजस्टिस हुआ है वहाँ में जो कट ऑफ क्राइटेरिया में ही उसमें इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम था, ये जो उसका जो प्रोविजन के हिसाब से इसमें इन्होंने जो 46.5% जो स्कोर किया था दैट वॉज सफिशियंट टू बी सिलेक्टेड, क्योंकि जो 50% जो रिक्वायर्ड क्राइटेरिया था उसमें पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के 5% रिलैक्सेशन होता है, वो जो फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट ये था कि जो स्टैंडर्ड ऑफ सुटेबिलिटी का हिसाब से जो ऑफिस मेमोरेंडम 2019 का है उस हिसाब से भी इसको यहाँ पे ये एलिजिबल होता है वो पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, लेकिन आज यहाँ में आके फिर से डिस्कशन हुआ तो स्टिल देयर एम्बिगुअस, अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। और लास्ट टाइम जब कोस्तारी सर और रोजिताबा मैडम से जब हम लोग ने डिटेल में डिस्कस किया था, उसमें ये बातचीत हुआ था कि ये जो मुदंग येबिंग का जो केस है इसमें एक ही प्रॉब्लम है बोला, उसमें जो इंटरप्रिटेशन करने के लिए तो जो प्रोविजन ऑलरेडी देके रखा हुआ है उसको कैसे करके हम लोग को अंडरस्टैंड करना है वो नहीं समझ में आ रहा है बोला, वो जो पोस्ट है इसको देना चाहिए, तो उसी बात को आज फिर से हमने पूछा है। आपने बोला था सज्जता का ये का रिकमेंडेशन का हिसाब से आप चलेंगे, लेकिन अभी सज्जता से जो रिकमेंडेशन आया है उसका बावजूद भी आप इसको अभी तक जस्टिस नहीं दे पा रहा है, तो इसको लेके आज हमने फिर से दोबारा से फिर से लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ है, और आज यहाँ में जितना भी आया है आप देख सकता है ये सब पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी से बिलोंग करता है, दिव्यांगजन कैटेगरी से है, और ये सब अलग अलग जगह से सब आया है, क्योंकि यहाँ में मुदंग येबिंग का जो केस है आप इसको एक आइसोलेशन में नहीं देख सकता है। मुदंग येबिंग रिप्रेजेंट्स ऑल द डिसेबल्ड सिटीजन ऑफ दिस स्टेट, यहाँ में जितना भी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से है, पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी से है, उसको रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इसका साथ जो इनजस्टिस हुआ है कल को किसी का साथ भी हो सकता है। तो आज हमने चेयरमैन प्रदीप लिंगफा सर से बात हुआ है, जो नया सेक्रेटरी मैडम है और जो नया मेंबर्स है, इनफैक्ट यहाँ में एक चीज़ पॉइंट नोट करना बहुत ज़रूरी है, वो है यहाँ पर जो नया मेंबर है जलस परतिन सर जो है सजेता का जॉइंट सेक्रेटरी था, और उसी सेम पर्सन जो है येबिंग का केस में इन द ईयर 2023 में ये लिखा है कि इसका साथ में डिप्रिवेशन हुआ है,
इसका साथ इनजस्टिस हुआ है और वहाँ से रिकमेंडेशन भी कमीशन को आ चुका है और आज सेम पर्सन कमीशन में एक मेंबर है। तो उसी बात को हमने जलस प्रतिनिधि सर को भी स्पेसिफिकली हमने उसको स्ट्रेस करके बताया कि आप जब सजेता में था तो आप इसको इसका जो इनजस्टिस हुआ है उसको लेके आपने कमीशन को सजेशन दिया था, लेकिन आज आप यहाँ पे कमीशन में आ गया है तो नाउ इट इज़ टाइम कि इसका साथ जो इनजस्टिस हुआ है आप बाकी कमीशन में जितना भी मेंबर्स है या फिर चेयरमैन है उसको समझाना कि एग्जैक्टली टेक्निकलिटीज कहाँ पे गड़बड़ हुआ है। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे आज बातचीत करने के लिए आया था एंड हम लोगों को आज जो भी बातचीत हुआ है बहुत लंबा डिस्कशन हुआ था, ऑलमोस्ट 3-4 आवर्स का डिस्कशन था, तो फिर भी आज भी कुछ कंक्रीट आउटकम नहीं निकला है। तो आज यही बताया गया था कि जो ये जितना भी केस है इसका जो केस इसको एक कमिटी बना के उसका एक रिपोर्ट बनाया है, तो उसी रिपोर्ट को हम लोगों को एक दो दिन में ये हम लोगों को देगा बोला है। लेकिन हमारा मानना ये है कि आप कुछ भी रिपोर्ट बना लो, हमारा कंसर्न ये है कि इसको इनजस्टिस हुआ है, अब इसको जस्टिस आप कैसे करके देना है, आप उसमें अपना जो करेक्टिव मेजर्स है उसको लेके आइए। तो सो फार आज जो भी डिस्कशन था सिर्फ यहाँ में एक चीज़ पता चल रहा था कि वहाँ से जो भी बात निकल रहा था यही बात बोल रहा था कि नहीं हो पाएगा, ऐसे टाइप का बात हो रहा था, लेकिन ये चीज़ नहीं बता रहा था कि क्यों नहीं हो पा रहा है। क्योंकि जो हम जो भी क्लेम कर रहा है ये हम कुछ अलग से कुछ फेवर नहीं मांग रहा है, वी आर ओनली आस्किंग व्हाट इज गिवन इन द प्रोविजन, व्हाट इज गिवन इन द रूल, जो लॉ में लिखा हुआ है उसी को हम मांग कर रहा है। तो इसलिए आज यहाँ पे दिव्यांगजन ये से है, ग्रुप से है, हमारा यहाँ पे महिला लोग भी आया है, हमारा दीदी बहन लोग आया है और ये यहाँ में जितना भी आया है कितना तकलीफ करके आया है, क्योंकि आप सबको पता है जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज जो कैटेगरी से बिलोंग करता है ये लोग एक ये स्पेशली एबल्ड कैटेगरी में है। ये लोग के लिए जो हमारा जो साधारण जो इंसान है, जो साधारण हम लोग का जो बाकी जनरल जो पॉपुलेशन है उस हिसाब से हम ये लोग को कंपेयर नहीं कर सकता है, क्योंकि ये जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज है ये लोग का कुछ ना कुछ ये लोग का अपना एक सिचुएशन है। तो इसको लेके हमने फील किया है कि ये जो आवाज़ है, ये जो इशू है, अगर आज इसको इनजस्टिस हुआ है तो अगर इसको आज जस्टिस ना मिले तो दैट मीन्स इसका जो सिचुएशन है कल को किसी का साथ भी हो सकता है। तो इसलिए आप जितना भी देख सकता है ये पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी का से आया है और आप खुद मुदंग एवंग सिस्टर से भी आप सुन सकता है, यहाँ पे हमारा दीदी भी आया है, ये भी पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी से है, दिव्यांगजन कैटेगरी से है, तो आप इनसे भी सुन लीजिए। गुड इवनिंग अरुणाचल का वासियों, और सबसे पास तो हम थैंक्स बोलेगा नालो सर जी को, आज दोबारा मेरे साथ में सपोर्ट के लिए आया है। पब्लिक सर्विस चेयरमैन सर से लास्ट टाइम मिलना था तो नहीं मिल पाया था, तो इसलिए सेक्रेटरी मैडम से ही बात हो पाया था, तो मैडम ने बोला था कि केस क्लोज हो गया, तो इसलिए नालो सर और हम लोग आज टीम फिर से पूछने गया कि केस क्यों क्लोज हो गया। फिर अभी मेरा साथ में जो भी दिव्यांगजन का विंग से आया है, डिस्ट्रिक्ट वाइज दिव्यांगजन एसोसिएशन से आया है, तो मैं सबको दिल से थैंक्स बोलना चाहता है क्योंकि सब मेरे सपोर्ट में इतना दूर से आया है और मेरा इस मुद्दा को साथ देने के लिए। और अभी पब्लिक सर्विस कमीशन से अभी जो मिलके हम लोग आया है, जैसे पहले होता था वैसे उन लोग का रिस्पॉन्स तो ठीक नहीं था, क्योंकि वो लोग पहले से बात को घुमा रहे। बस तो वो लोग बोला था कि कमीशन इनकम्प्लीट है तो नया कमीशन देखेगा, तो उसी टाइम में भी हम लोग का दिव्यांगजन का ग्रुप से एक धरना बैठने वाला था, इवन CM को एक अल्टीमेटम भी दिया था 15 दिन का, तो तभी CM ने भी उस टाइम में जो धरना बैठने वाला जो लीड कर रहा था उसको बोला था कि आप जो न्यू कमीशन के लिए वेट करो, न्यू कमीशन आने से पॉजिटिवली कर देगा, आप लोग ऐसा मत करो, आप लोग दिव्यांगजन है, तकलीफ होता है, तकलीफ हम लोग नहीं चाहता कि आप लोग को मिलो बोल के, इसलिए हम लोग आप लोग पेशेंस रखो, नया कमीशन आएगा तब आप लोग को जरूर कर देगा। तो यही बात सुन के उस टाइम में जो मेरा दिव्यांगजन साथिया था, जो मेरे लिए इशू उठाया था लीड करने वाला, ने भी हमको बोला था कि न्यू कमीशन आने से करेगा, तो आप भी इसलिए इम्पेशेंट मत हो, वेट कर लेता है गवर्नमेंट को विश्वास करके और न्यू कमीशन का ऊपर फेथ रख के, उसने धरना बैठने के लिए भी हमको हो जाएगा, इस बार हम लोग छोड़ते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम न्यू कमीशन करता है कि नहीं करता है तब हम लोग देखेगा, नहीं करने से तब हम लोग स्टेप उठाएगा, उसने ऐसा कहा था।
तो इसलिए हम भी वेट किया पेशेंटली न्यू कमीशन का आने का इंतजार किया और न्यू कमीशन आने में इतना समय लग गया, एक साल से भी ज़्यादा समय लग गया, फिर भी हम वेट किया। जबकि एक्चुअल में मेरा डिमांड तो इमीडिएट जस्टिस था। मेरे पर्सनल लेवल में जब हम फाइट किया था, मुझे इतना 2 साल लग गया फाइट करते करते। पर्सनल लेवल में जब सब कुछ प्रूफ हो गया था, तभी भी मुझे सेम तो वो लोग बोला था कि न्यू कमीशन आने से करेगा बोल के। तो फिर यही सेम बात जब मैं अपना पेन जैसी का थ्रो से भी 18 तारीख को आउटकम आया, वही गवर्नमेंट ने यही बात बोला। और दिव्यांग जन साथी लोग भी जब धरना बेतना बना था, तभी भी यही बोला था न्यू कमीशन आने से करेगा। तो आज वो लोग अपना बात से कैसे मुकर गया, क्योंकि आज भी सेम वही साइकिल को हम रिपीट कर रहे हैं। वापस कमीशन का पास जा रहे और कमीशन अभी हमको बोल रहा है कि आप फिर से गवर्नमेंट लेवल में अप्रोच करो, हमको फिर बोल रहा है, या फिर आप कोर्ट केस जाओ। अगर यही बात बोलने के लिए हमको न्यू कमीशन के लिए इंतजार कराया था क्या? मेरा क्वेश्चन ये है, अगर रिटर्न में सीएम ने भी लिखा है उसका 18 फरवरी 2022 को सीएम का रिटर्न वाला लिखित भी है, उसने कहा था कि न्यू कमीशन जब आएगा तो मेरा केस को पॉजिटिवली री एग्जामाइन करके रिकॉन्सिडर किया जाएगा, कहा था। तो अभी कमीशन चेयरमैन बोलता है कि हम लोगों को सिर्फ एग्जाम कंडक्ट करने के लिए न्यू कमीशन बनाया है बोल के। तो जो हमको लिखित में दिया गया था उसका क्या वैल्यू रह गया? उस 18 तारीख में उस बान कॉल में हम अपना लाइफ रिस्क में रख के, एक डिसेबल होके हम उस भीड़ में शामिल होके हम इतना होप किया कि आउटकम आएगा बोल के, हम रुक रहा था, लेकिन आउटकम आया ही नहीं। सेम एश्योरेंस, सेम वो वाला पिका वाला ऐसे झूठ मूठ का एश्योरेंस दिया कि न्यू कमीशन आने से करेगा। तो फिर भी मैं सब मेजोरिटी लोगों का कहने पर भरोसा करके मैंने गवर्नमेंट के लिए न्यू कमीशन के लिए इंतजार किया है, और आज न्यू कमीशन आके सेम रिपीट कर रहे हैं, सेम चीज को कर रहे हैं। वो वापस हमको अभी गवर्नमेंट का लेवल में बात करो बोलते हैं, गवर्नमेंट से अप्रूवल लेके, गवर्नमेंट से वन टाइम रिलैक्सेशन करके करो बोलते हैं। तो यही बात को बोलने के लिए हमको न्यू कमीशन का इंतजार कराया था क्या? तो इसीलिए मैं कमीशन से अभी भी अपील कर रहा हूँ, आपको सीएम ने जो लेटर लिखा था उसमें सिर्फ आपको री एग्जाम के लिए नहीं लिखा था, उसमें आपको पॉजिटिवली मेरा केस को री एग्जामिन करके एज पर रूल अगर प्रोविजंस है, अगर प्रोविजंस है मुझे पोस्ट का एंटाइटलमेंट के लिए, तो आप उसको चेक करके रिकंसिडर करो बोल के भी लिखा हुआ है सेंटेंस। लेकिन आप सिर्फ आधा अधूरा सेंटेंस करके बोलते हैं कि सिर्फ री एग्जामिन करें, तो आप मुझे बताइए आपको सिर्फ री एग्जामिन करो बोल के लिखने के लिए लिखने का जरूरत भी क्यों पड़ेगा? अगर सीएम को लगा कि सीएम का ऑफिस लेवल में, सीएम सर का ऑफिस लेवल में जब मेरा केस पहुंचा, मेरा मैटर पहुंचा, तो उन लोगों को भी तो जेन्यून लगा है, और चीफ सेक्रेटरी लेवल में भी पहुंचा है तो जेन्यून लगा। इसलिए तो आपको बोला कि अगर रूल प्रोविजन है तो री एग्जामिन करके रिकंसिडर करने के लिए, तो ओके टाइम पास करने के लिए अगर मेरा केस जेन्यून ही नहीं तो वो लोग तो रिकमेंड ही नहीं करेगा, कि उन लोग का पास भी तो उन लोग का पास एज पर रूल रेगुलेशन गवर्नमेंट का जितना भी रूल रेगुलेशन प्रोविजन है उन लोग उसको वो लोग खुद इशू करने वाला है, तो खुद पता है क्या रूल वायलेट हो रहा है, क्या रूल हम मेरा केस में पेवर है कि नहीं, उसको खुद पता है। इसलिए तो पेवर में है बोल के उसने आपको रिकंसिडर करने के लिए लिखा है। अगर आपको सिर्फ एग्जाम री एग्जामिन करके टाइम पास में एक बार मेरा केस को स्टडी करके आपको नहीं दे सकेगा इतना कहने के लिए उन्हें, से तो रिकमेंड करने का भी मीनिंग नहीं रहना था। तो इसीलिए मैं पब्लिक सर्विस कमी को जो न्यू कमीशन अब जब आ गया था, मैंने बहुत होप किया था कि अभी न्यू कमीशन जो पहले का जितना भी जो भी स्कैम होके नया एक्सपीरियंस लोग को जो भी वापस हम लोग का ट्रस्ट को गेन करेगा, और जो भी प्रीवियस कमीशन ने गलत किया है, मल प्रैक्टिसेस किया है, उसको आप चेंज करेगा, उसका गलतियां किया लोगों को आप सुधारेगा। लेकिन गवर्नमेंट लेवल से और एआर डिपार्टमेंट से सजेता लेवल से आपको लिखने पर भी कि मेरा केस को फर्स्ट प्रायोरिटी में लेके आप इसको कर दो, रिजोल्व कर दो बोल के आपको लिखने पर भी आपने इसको इतना टाइम लगा दिया, सबसे लास्ट प्रायोरिटी में रखा, इवन आप एग्जाम नोटिफिकेशन भी पहले निकाल दिया, और अभी आप एग्जाम कंडक्ट करने पर भी आ गया, लेकिन आप मेरा मैटर को अभी भी सॉल्व नहीं किया, जबकि मैटर को फर्स्ट प्रायोरिटी बेसिस में करने के लिए आपको लिखा गया था, तभी भी आपने इसको इतना अननेसेसरी खींचा, और पहले नहीं बताया कि आप नहीं कर पाएगा, आप बोल रहा कभी कि रिलैक्सेशन का प्रोविजन समझ में नहीं आ रहा है, आप कितना भी हमको एडवोकेट रिफर किया है, जिस एडवोकेट का नाम लेके आपने कहा था कि उस सब एडवोकेट का ओपिनियन से आप लोग डिसीजन लेगा, मैंने उन्हीं एडवोकेट लोग का पास पर्सनली आप लोगों का कहने पर, आप लोगों का इस ऐसा एक्सक्यूज देने पर कि उन एडवोकेट का ओपिनियन जो सबसे सुप्रीम ओपिनियन है, एजीएस का ओपिनियन जो सबसे सुप्रीम अथॉरिटी है, अगर वो ओपिनियन दिया तो आप सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज नहीं कर सकेगा बोल के कमीशन का उस लॉ ऑफिसर ने
खुद बोला था ऐसा मुझे, तो इसलिए मैं गया। अगर ऐसा बात है तो उस लो एजीएस का पास अगर इतना पावर है तो मैं पूछेगा मेरे रूल में क्या गलती है, मैं पूछने गया। लेकिन उन्होंने भी बोला था एज पर रूल आई एम फुली इंटाइटल फॉर द पोस्ट, मैं उस पोस्ट के लिए फुली इंटाइटल है। अगर कमीशन जो उसको एक सिंपल अगर एक ओपिनियन मांगता है एजी को, एडवोकेट जनरल को, तो वो मेरे पेवर में आराम से लिख सकेगा बोला है। बट ऐसा नहीं हो कि कमीशन उसको मजबूर करेगा मेरे अगेंस्ट में लिखने के लिए कि अगेंस्ट में लिखो तो ही हो, क्योंकि वो गवर्नमेंट का एडवोकेट है ऐसे बोला था। तो इसीलिए मैंने कमीशन को भी जाके बोला, आप जिस एडवोकेट से आपने खुद बोला था कि याबियांग आप हम लोग ब्लाइंडली नहीं कर रहे, हम लोग एजी से एडवोकेट जनरल से एडवाइस लेके करेगा बोल, आप लोग कब रिकमेंडेशन लिख रहे, हम पूछता भी है लेकिन वो रिकमेंडेशन उसको नहीं लिख के चेंज कर दिया, अलग एडवोकेट से रिकमेंडेशन लिख के, और अभी बोलता है कि उस एडवोकेट का रिकमेंडेशन का हिसाब से किया। तो इतना सारा मैंने भी तो ऐसे ब्लाइंडली तो आपको रूल प्लेस नहीं किया ना, एज पर रूल मेरा पेपर में जितना भी डिपार्टमेंट है लिखा है उसका बाद मैं ब्लाइंडली तो नहीं बोल रहा हूँ ना। अगर मेरा गलती होगा तो एआर डिपार्टमेंट क्यों मेरा पेपर में लिखेगा, अगर मैं गलती हो तो सजेता डिपार्टमेंट रिपीटेडली क्यों मेरा पेपर में लिखेगा, और अगर मैं गलती होता तो स्टेट कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी क्यों मेरे पेपर में जजमेंट पास करेगा, और अगर मैं गलती होता तो एजीएस सर क्यों बोलेगा कि मेरा केस तो रेस पर रिलैक्सेशन स्टेटस सुइटेबिलिटी सही है बोल के क्यों बोलेगा, और आपने खुद एजी से ओपिनियन लेगा बोल के क्यों लास्ट मोमेंट में अलग एडवोकेट से लिया। तो आप अगर इतना ही आप एक ही लो ऑफिसर का कहने पर इतना अपना विजडम यूज नहीं करके गलत फैसला ले रहे तो आप गलत कर रहे कमीशन ना, मैं अभी भी कहता हूँ आप लोग प्लीज मुझे इतना ऑलरेडी मेरा इतना हमको ऑफिस टू ऑफिस इतना साल बीत गया दौड़ते दौड़ते मेरा जस्टिस नहीं हो पाया, अभी भी आपका हाथ में पावर है, आप ऑटोनमस है, आपका पास अभी भी है, आप वो कर सकता है अगर आप चाहो तो, पर आप चाहते हुए भी आप चाह तो हो सकता है मुझे जस्टिस, लेकिन आप वही डिस्क्रिशनरी पावर को आप यूज करना ही नहीं चाहता है, तो दैट इम्प्लाइज आप करना ही नहीं चाहता है, तो आप इसलिए रूल सारा ब्रेक करके एक्सक्यूज देके कि पुराना कमीशन क्लोज कर दिया बोलके ऐसे नहीं कह सकते है, क्योंकि ऐसा बहुत सारा केसेस है जहां में क्लोज वाला केस को 8 ईयर्स का बाद भी रीओपन किया गया है। तो यही कमीशन से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरा केस को रिकंसिडर कर दो, मुझे अपॉइंटमेंट दे दो, अगर नहीं देता है तो इसको मैं जस्टिस कभी नहीं मानेगा, चाहे इसको हम लड़ते लड़ते मर जाएगा लेकिन भी हम नहीं छोड़ेगा।